Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ heart of South India where tradition meets modernity and history embraces innovation जिसका नाम है चेन्नई. चेन्नई को मद्रास ये नाम से भी जाना जाता है जहाँ पर पुराने temples से लेकर beautiful beach हम explore करने वाले हैं. तो अगर आपको भी चेन्नई जाना है या फिर चेन्नई के बारे में जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. इस वीडियो में मैं फूड से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ की कल्चर, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अब सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी चेन्नई जाने के क्या क्या डिफरेंट वेज है. फर्स्ट इज एयरवेज. चेन्नई का खुद का एयरपोर्ट है जहाँ इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ऐसे दोनों फ्लाइट्स आती है, तो आप बाय फ्लाइट यहाँ तक आ सकते हैं. एयरपोर्ट से निकलते ही यू कैन हायर अ कैब और बस टिल योर स्टे. After that, next is railways. Nearest and main railway station of Chennai is M.G. Ramachandram Central Railway Station, which is also known as Madras Central Railway Station. जहाँ तक आने के लिए you can book a ticket from IRCTC site. इसके लिंक मैंने नीचे description box में दे दी है. और last third option is roadways. South के major cities से buses निकलती है for Chennai, जिसकी booking आप online red bus वगैरह से कर सकते हो. तो ये सब तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन. इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन चेन्नई तो चेन्नई में बजट से लेकर लग्जरीज ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेज है जिसकी बुकिंग आप booking.com, Agoda, Airbnb जैसे साइट से कर सकते हो. सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन अब मैं आपको एक एक करके यहाँ के टॉप प्लेसेस बताऊंगी वेयर यू कैन विजिट. नंबर वन इज महाबलीपुरम टेम्पल. ये टेम्पल सिटी सेंटर से 57 किलोमीटर दूर है जिसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक शो टेम्पल, ममल्लापुरम टेम्पल एंड सो ऑन. लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल, दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां एंटर करने के लिए आपको टिकट लेना है. पर पर्सन टिकट का कॉस्ट है 40 रुपीज और इसका टाइमिंग है 6 AM to 6 PM. मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ इवनिंग में आए, बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई देता है. तो गाइज ये है शो टेम्पल, बहुत ही स्टनिंग वॉल कार्विंग है यहाँ. ऐसे कहते हैं कि ये सैंड के अंदर छुपा हुआ था टेम्पल जिसको बाद में ढूंढा गया और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु. वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ये साउथ इंडिया का, विच विल रियली ब्लो योर माइंड. तो यहाँ पर तो डेफिनेटली विजिट करना. नंबर टू इज इंडिया सी शेल म्यूजियम. ये म्यूजियम शो टेम्पल से कुछ ही डिस्टेंस पर है जिसका टाइमिंग है 8 AM to 8 PM. इसका एंट्री टिकट अलग अलग है, लाइक अंदर डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स है तो आप सेपरेट टिकट ले सकते हो और एल्स यू कैन बाय वन कॉम्बो टिकट जिसमें सी शेल म्यूजियम, मिनरल म्यूजियम एंड मिनी एशिया, डायनासोर म्यूजियम, मामल्ला म्यूजियम एंड पर्ल म्यूजियम, ऐसे 5 places एक्सप्लोर करने मिलेंगे. बहुत ही बड़ा म्यूजियम है जहाँ टाइनीस्ट शेल से लेकर सबसे बड़ा शेल आपको देखने मिलेगा. इवन फिश को भी फीड करने मिलता है एंड बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये म्यूजियम जहाँ घूमने में आराम से 2 घंटे तो लगते ही है. इन 5ों में से सबसे बेस्ट मुझे पर्ल म्यूजियम लगा वेयर आई सॉ मल्टीपल टाइप ऑफ पर्ल्स इन डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स. यू कैन ऑल्सो बाय सम स्टफ मेड विद पर्ल्स एंड शेल्स फ्रॉम दिस सुवेनियर शॉप. अब थर्ड प्लेस इज सैंटम कैथेड्रल बेसिलिका. ये प्लेस सिटी सेंटर से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये एक बहुत ही पुराना एंड बड़ा चर्च है चेन्नई का. इस चर्च को सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये नाम से भी जाना जाता है जहाँ सेंट थॉमस की टूम है. स्ट्रक्चर वाइज ये बाहर से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और अंदर से भी उतना ही सुंदर है. दिस चर्च इज वेरी ओल्ड, अराउंड 500+ years पुराना है, विच इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन चेन्नई. नंबर 4 इज मरीना बीच. चेन्नई आते हो तो मरीना बीच तो विजिट करना ही होगा. ये बीच सिटी में ही है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है चेन्नई की. बहुत ही बड़ा बीच है जहाँ मल्टीपल फूड स्टॉल्स वगैरह लगते हैं. मैं यहाँ सनराइज देखने आई हूँ तो इसलिए यहाँ पर अभी स्टॉल्स फिलहाल सब कुछ बंद है. यहाँ पर बाजू में ही मरीना लाइट हाउस भी है तो वो भी आप देख सकते हो. इस बीच पर टूरिस्ट घूमने के लिए तो आती है बट इवन लोकल्स भी डेली जॉगिंग वगैरह करने आते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ चेन्नई वे ऑलमोस्ट 30,000 विजिटर्स कम्स इन अ डे. अब लास्ट इज अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क. ये इंडिया का फर्स्ट पब्लिक जू है, एस्टैब्लिश इन 1855, जिसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और ये ट्यूसडे को बंद रहता है. ये
इंडिया का लार्जेस्ट जू है तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अंदर एक्सप्लोर करने के लिए एक तो आप चल के एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर गोल्फ कार्ट एंड साइकिल भी मिलता है, तो वो लेके भी आप ये पूरा जो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर अंदर मल्टीपल वाइल्ड एनिमल्स है, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जैकल, क्रोकोडाइल एंड मल्टीपल बर्ड्स भी देखने मिलेंगे। सो गाइज, ये थे टॉप प्लेसेस टू विजिट इन चेन्नई। अगर आप चेन्नई आते हो तो ये प्लेसेस पर डेफिनेटली विजिट करना, और इसके अलावा कुछ और प्लेसेस भी है जिनके नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वो भी डेफिनेटली चेक करना। ऑल्सो चेन्नई के बाजू में पौंडीचेरी भी है जो कि एक दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, तो उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर दिए, तो वो भी डेफिनेटली चेक करना। उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।